अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर शहज़ाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग फाइवर पर गिग कैसे बना सकते हैं। हमने अपनी पिछली दो वीडियो में सीखा था, पहली वीडियो में हमने सीखा था कि फाइवर को ज्वाइन कैसे करते हैं और दूसरी वीडियो में सीखा है कि हम सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पर गिग कैसे बनाया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे लगाने हैं, टाइटल कैसा रखना है, उसके बाद पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम फाइवर पर गिग कैसे बना सकते हैं। ये इस तरह की कुछ की सर्विस है, जैसा कि आप किसी बाज़ार में दुकान ले लेते हैं और वहाँ पर एक चीज़ का इंतखाब करते हैं। जैसा कि आप कपड़े की दुकान बनाते हैं तो उसमें सिर्फ कपड़ा ही रखते हैं, इसके ये नहीं कि आप अभी बीच में सब्ज़ी या सुनारों की दुकान वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए ये इसी तरह की ये सर्विस है। फाइवर पर आपको 7 गिग्स अलाउ होते हैं कि आप 7 गिग बना सकते हैं। एक गिग में एक दूसरे में और मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक से मतलब ही लगाएंगे, ऐसा ना हो कि आप बीच में ग्राफिक हो और इसके अंदर ही डाटा एंट्री कर रहे हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा सिर्फ इसी वक्त करना है जब आप लोगों को लगे मैं एक ब्रांड बन चुका हूं, तब आप ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आप शुरू में ऐसा करें कि एक टॉपिक चूज़ कर लें और इसके मुतल्लक ही गिग बनाएं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि किस तरह आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, कीवर्ड सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन देनी है और एक अच्छा गिग बनाना कैसे सीख सकते हैं और पैसे कैसे कमाने हैं। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और उस पर fiverr.com की वेबसाइट को ओपन किया। ये देखें, ये मैंने fiverr.com की वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं प्रोफाइल में जाऊँगा। प्रोफाइल में जाकर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा जो हमने कल गिग बनाना, आज हम गिग बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैं ऊपर गिग क्रिएट ए न्यू गिग पर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये नीचे में आ रहा हूँ, ये क्रिएट, ये है क्रिएट ए न्यू गिग। इस पर क्लिक किया तो ये जो कल हमने सेटिंग कर ली थी इसे मैं हमने नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक करते जाएंगे क्योंकि फिनिश ये कल हमने सेटिंग कर ली थी। और इसके बाद अब हमारे पास ये आ गया है गिग टाइटल। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिग का टाइटल कैसे देना है, इसके डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, इसका टैग कैसे लगाना है, ये वगैरह। ये देखें, इसमें कैटेगरी है ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी, पब्लिश, ये हमने तमाम आज क्लियर करनी है। तो यहाँ पर आई विल नहीं आपने लिखना, बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ कि लोगों ने किस तरह के टाइटल दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन यूट्यूब भी उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है तो यूट्यूब लिख कर सर्च करता हूँ कि लोगों ने कीवर्ड कैसे दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने यूट्यूब लिखा और ये देखें, लोगों ने यूट्यूब इंट्रो, प्रमोशन, यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब इंट्रो, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, SEO, यूट्यूब लोगो वगैरह, ये सब तमाम लोगों ने दिए हुए हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन का किसका कम है, हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे। ये इसका 5,017, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर हम यूट्यूब बैनर को सिलेक्ट करके देखते हैं इसका कंपटीशन है। ये देखें, ये 2724 इसका कंपटीशन है। इसमें हमारे लिए जगह है कि हम यहाँ पर अपना अपनी सर्विस दे सकें। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पर आपने ये देखना है कि यहाँ पर हमने ये कीवर्ड कैसे देने हैं, सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन से हैं। ये देखें, ये तमाम हमारे पास सामने आ चुके हैं। ये आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल कस्टम यूट्यूब बैनर, ये देखें, ये दूसरा है, ये ट्विच यूट्यूब और ट्विच आई विल डिज़ाइन फ्लैट यूट्यूब चैनल आर्ट और बैनर, ये इसी तरह के ये सारे हैं। इसमें ये लोगों में ये देखें, इसकी रेटिंग 5.0 है। ये देखें, ये आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग यूट्यूब बैनर। ये हमने यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें कौन सा पसंद है, के लोगों को अच्छा लगे और लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हों हमारे गिग को देखकर। ये देखें, ये सारे इसमें हैं। और इसमें यहाँ पर मैं अब लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिज़ाइन चैनल आर्ट, कि मैं चैनल आर्ट का डिज़ाइन देना चाहता हूँ आर्ट या बैनर, ये लिखा है मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सेलेक्ट करेंगे। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वेब डिज़ाइन बैनर्स आ गए। ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन और सोशल मीडिया डिज़ाइन ये सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये देखें, ये काफ़ी कैटेगरी हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना है चाहें, जिसमें आप मास्टर हैं वो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने गिग्स को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं कि आप का गिग लोग देख कर गए, क्योंकि गिग लोग कर देख कर ही आपको काम देते हैं कि आप किस तरह के काम कर सकते हैं। और आपका ये तमाम ये जो सारी सेटिंग है, ये देखें, ये सारी सेटिंग आपके सामने है। यहाँ पर वे वीडियो मार्केटिंग, ये आप जैसा भी करना चाहें तो कर सकें। मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर सोशल मीडिया डिज़ाइन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पर आ गया है सर्विस टाइप। यहाँ पर आपने सर्विस दे टाइप देनी है कि आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सोशल पोस्ट एंड बैनर्स ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर करना चाहूँ। थंबनेल डिज़ाइन ये भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। यहाँ पर मैं सोशल पोस्ट बैनर्स सिलेक्ट की मैंने। यहाँ पर गिग मेटा डेटा है कि आप गिग को का कौन सा है कि मैं क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने फेसबुक यूट्यूब और टिकटॉक दी है, लेकिन यहाँ पर मैं टिकटॉक ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद सर्च टैग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पर सर्च टैग देना है कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं, हमने उस हिसाब से अपना टैग देना है। यहाँ पर ये यूट्यूब लिखा मैंने, यूट्यूब बैनर ये देखें। और यहाँ पर आप 5 टैग दे सकते हैं, एटलीस्ट 5 टैग मैक्सिमम। यहाँ पर यूट्यूब बैनर मैंने एक टैग दे दिया, या और दूसरा
और ढूंढ तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि दूसरा टैग मैं क्या दूँ। यहाँ पर आपने ये टैग देकर इंटर दबा देना है और आपका एक टैग बन जाएगा। यहाँ पर दूसरा दे देता हूँ कार्टून बैनर, और यहाँ पर इसके बाद मैं दे देता हूँ ये देखिए यूट्यूब चैनल आर्ट बैनर, ये काफ़ी है जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आप देखेंगे सर्च हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, तो वो टैग आप दे दें ताकि आप आसानी के साथ इसमें दाखिल हो सके। ये यूट्यूब बैनर आर्ट ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन शायद ये एक्सेप्ट ना करे, तो चल देखते हैं। ये 5 हम गीग बनाकर इसे नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर ये देखिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग गीग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं ये लोगों ने टैग कैसे दिए हैं। ये देखिए ये नीचे टैग आ गया है कार्टून बैनर, यूट्यूब बैनर, कार्टून करेक्टर। यहाँ से आप कोई भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर कार्टून बैनर ये मैं लिखता हूँ कार्टून बैनर, ये एक मेरा मैं टैग देने वाला हूँ। ये देखें कार, और इसके अलावा ट्विच चैनल या इसका देख लेते हैं। इसमें जो भी आपका दिल चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि आपके ये टैग्स की बदौलत ही लोग आपको जितना अच्छा टैग देंगे उतना अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। इसलिए आपने अच्छे से अच्छा टैग देना है, और वो टैग देना है जो आप जो सर्च हिस्ट्री में आ रहा है, वो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अब एक और दे देता हूँ, ये देखें ये ट्विच अकाउंट का, ट्विच TWITCH ट्विच। यहाँ पर मैं ट्विच बैनर दे देता हूँ, ये ट्विच बैनर आ गया, और इसके बाद मैं देता हूँ यूट्यूब थंबनेल, ये देकर देता हूँ। यहाँ पर मैं YouTube थंबनेल दे देता हूँ। ये हो गए हमारे 5 टैग्स। यहाँ पर हम सेव करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर देखें यहाँ पर आगे आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैं अब सेव एंड कंटिन्यू करके देखता हूँ कि आगे क्या होता है। ये मैंने दबाया तो वो बैक चला गया, तो इससे मैं सेव एंड कंटिन्यू करके देखता हूँ। ये देखें ये मेरी एक लैंग्वेज नहीं मैंने सेलेक्ट की थी, वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज सेलेक्ट करें। यहाँ पर नीचे लैंग्वेज, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे उर्दू आती है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उर्दू, हिंदी, जर्मन, फ्रांस, जैसे भी आपकी। मैं इंग्लिश और उर्दू इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखें ये एक मसला आ गया है। यहाँ पर ये मसला आया है कि 20 करेक्टर से ज़्यादा 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 20 करेक्टर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा दिया, तो हम नीचे आते हैं। क्या मसला है यहाँ पर? ये जो मैंने YouTube चैनल आर्ट बैनर ये ज़्यादा लिखा है, इसलिए ये नहीं दे रहा। और इसके बाद हम यहाँ पर भी वो ख़त्म कर दिया है, और कोई नया टैग देने की कोशिश करते हैं कि
ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये देखिए ये यूट्यूब थंबनेल आ गया और इसके बाद हम एक और देते हैं यूट्यूब चैनल यूट्यूब आर्ट दे देते हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके देखते हैं कैसा क्या हुआ। ये देखें ये एक्सेप्ट हो गई है, यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। यहाँ पर प्राइसिंग स्कोप एंड प्राइसिंग आ गई है कि आप स्कोप और प्राइसिंग क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर आपने पैकेजेस वगैरह देने हैं, यहाँ पर आपने ये ट्राई नो पर क्लिक करना है और इसको अनलॉक कर लेना है। यहाँ पर तीन पैकेजेस होंगे या गोट कर लेना है, और यहाँ पर आपके पास तीन पैकेजेस हैं, एक बेसिक पैकेज है और एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है। यहाँ पर आपने लिखना है बेसिक पर बेसिक कर देना है और स्टैंडर्ड के नीचे स्टैंडर्ड लिख देना है और प्रीमियम के नीचे प्रीमियम लिख देना है, और इसके नीचे आपने उसके बारे में डिस्क्राइब। यहाँ पर हमने लिख देना है बेसिक के नीचे डिज़ाइन है प्रोफेशनल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिज़ाइन प्रोफेशनल 1000 कस्टम यूट्यूब बैनर्स यहाँ पर 2000 कर देता हूँ और प्रीमियम में 3000 कर देता हूँ। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैं एक आपको सिर्फ एक गिग बना कर सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने देना है डिलीवरी कितने दिनों में देनी है, बेसिक में कितने दिनों में हो, स्टैंडर्ड में कितने दिनों में हो। यहाँ पर 7 दिन लगा लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड में, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 13 दिन जो प्रीमियम है। इसके बाद यहाँ पर कोई चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी पोस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पर मैं 3 बेसिक में 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टैंडर्ड में यहाँ पर 6 कर लेता हूँ और प्रीमियम में 10 कर लेता हूँ। और यहाँ पर फिर टेम्पलेट में आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा। और यह प्राइस पर आपने स्टैंडर्ड पे 5 रख देनी है, क्योंकि आप बिगनर हैं, और बेसिक में 5, स्टैंडर्ड में 10 और प्रीमियम में 20 कर दें, ताकि लोग आप कम पैसों में करवाने के लिए आप इससे रब्ता करें। ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाला है, ये आप बेसिक में कितने दिनों में डिलीवरी देंगे और कितने चार्ज करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड में कितने दिनों में करेंगे और कितने चार्ज करेंगे, ये सब आपने सेलेक्ट करना है। और प्रीमियम में भी जो भी आपने, ये सारा ना आपने खुद करना है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि गिग कैसे बनाया जाता है। यह देखें ये 5 दिन कर देता हूँ, 6 दिन कर देता हूँ, 6 दिन के $20 लूँगा, इस तरह है ये अपने। इसके बाद कोई एडिशनल सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता हूँ और ये देखें ये आपके सामने आ चुका है। ये ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अपने गिग की, कि आप गिग के बारे में क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपली, आप कुछ भी अपने गिग के बारे में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ और ये देखें ये मैंने एक ओपन किया है और इसकी डिस्क्रिप्शन मैं लगाने जा रहा हूँ। ये सारा लिखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।
ये देखिए ये सारा है, उसने सारा ना इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, और आपने अपनी मर्ज़ी के साथ देना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी का, जैसे मैं उठा रहा हूँ, आपने किसी का भी उठा कर दे देना है। यहाँ पर आपने अपनी अपना देना है कि आपने क्या क्या सर्विस देनी है उन लोगों को जो आपके पास आए। ये देखें, ये आपने, मैंने पढ़ा पढ़ रहा हूँ ये क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ये देखें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है पर डन वर्क फेवरेट यूट्यूबर्स। यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कोई चीज़ कर दें, यहाँ पर मेरे ये फेवरेट नहीं है इसलिए मैं इनको ख़त्म कर दूँगा ये सेलेक्ट करके। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया और ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर बकाया सब ठीक ही है। और इसको मैं नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपने कोई चीज़ देनी है तो आप यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है, ये बोल्ड इटैलिक वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता हूँ। ये देखें, ये हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप, अब रिक्वायरमेंट आ गई है हमारी, क्या हम क्या रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैंने वीडियो वीडियो लिंक देना चाहते हैं, और यहाँ पर फ्री टेक्स या मल्टीपल चॉइस कुछ भी कर सकते हैं, और ऐड पर क्लिक कर देना है। और ऐड पर क्लिक करने के बाद सेव टैग सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखें, सेव चेंजेस हो गई हैं। और उसके बाद हमारे पास अब गैलरी आ गई है, इसमें हमने कोई वीडियो और तस्वीर दे सकते हैं कि हम, अगर आपने कोई वीडियो नहीं दी तो देना चाहते तो ना दें, अगर वीडियो देना चाहते हैं तो आप अपनी कोई वीडियो बना लें और उसके बारे में यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक कर दें और कंप्यूटर से वो दे दें। यहाँ पर हमने एक तस्वीर देनी है, ये देखें, मैं यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर से एक तस्वीर, ये नीचे एक कस्टम बैनर का बना हुआ है, ये मैं दे देता हूँ। ये देखें, ये इसमें आ गई है। और यहाँ पर इसके बाद मैं नेक्स्ट करने की कोशिश, यहाँ पीडीएफ देना चाहते हैं तो पीडीएफ दे जाए, और आई अंडरस्टैंड डिक्लेयर पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ये आपने पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं तो अगर पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा है क्योंकि आपको बेहतर समझ आ सकेगा। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता हूँ। ये देखें, ये अब मैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप पर पब्लिश पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप दे सकते हैं आर यू यूएस पर्सन, कि आप यूएस पर्सन हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके सेव कर दें। मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नो पर क्लिक करके सेव कर देता हूँ। ये नो पर क्लिक हो गया। ये देखिए, ये सारा ऊपर लिखा हुआ है, आप अपनी जहानत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ सेव कर दिया, और ये देखें, यू आर डन। हाँ, ये आपका गिग क्रिएट हो चुका है, ये, और इसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये आपका एक गिग क्रिएट हो गया है, ये आपका गिग क्रिएट हो चुका है। इसके साथ अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि हम आप लोग यहाँ पर सिर्फ 7 गिग्स दे सकते हैं, ये आपने याद रखना है। आपको अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी किए करिएगा। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके अपना मसला बता सकते हैं, हम 24 या 48 घंटों के अंदर आपको आपके मसले का हल बताएंगे।
तो मुझे दीजिएगा इजाज़त ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो का इंतज़ाम कर सकूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।